हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 30 मार्च 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से आप जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको और भी पुरानी पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिए। जानकारी दूंगा हमारे नोट्स और कोर्सेज के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स आप बुक कर सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपको ये नोट्स आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। 998 रुपये के प्राइस में आप बुक कर सकते हैं। और जैसे ही बुक करेंगे तो आपको जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पर अपडेट किए जा रहे हैं नोट्स, 3-4 सब्जेक्ट के हो गए, बाकी और अपडेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा फुल कोर्स हमारा अवेलेबल है 2999 में। लॉकडाउन टाइप के समय में ये आपके लिए कीमत है। और ये इसके साथ ये प्रिंटेड नोट्स आपको फ्री पहुंचाए जाएंगे घर पे। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, पीडीएफ रहेगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, जानकारी देंगे हम आपको थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि यदि आपके पास कोई प्लान ए है, यानी आपने सोचा था लाइफ में ऐसा होगा तो प्लान ए काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, 25 और लेटर बचे हैं, उन पर ट्राई करो। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जब आपने किसी काम को करने का सोच लिया है तो फिर उससे करने से पीछे हटना नहीं है। उसके अलग अलग रास्ते खोजो, मंजिल वही रखो जो आपने तय किया था, पहुंचना वही है। हो सकता है ए रास्ते से नहीं पहुंचना तो बी रास्ते से, सी रास्ते से, तो जड़ तक। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि आपके पास एक ना एक रास्ता होगा, बस आपको करना यह है कि लगातार कोशिश करते जाना है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितनी राशि के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की है, और ये 1,70,000 करोड़ की राशि है, यानी बी ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। याद रखिएगा, मैं कोई भी कमेंट यहाँ पर लेता हूँ तो आपकी लाइक्स के आधार पर लेता हूँ, ना कि मेरे पसंद के आधार पर। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका भी कमेंट यहाँ पर आ रहा है तो मतलब उसको आपने लाइक दिया है, थोड़ा सा सोचिएगा इस चीज को। चलिए, तो तरेश कुमार का पहला कमेंट है, पहला उत्तर है। दूसरा उत्तर है खुशबू मिश्रा का, और तीसरा उत्तर है निशा चौबे का। तो आप तीनों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं आपका नाम, आपका कमेंट और आपका उत्तर यहाँ पर आए, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखो, और अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिविजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए निर्मित पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन होता है, और कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। दूसरा प्रश्न, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को ड्रग एंड केमिस्ट एक की H1 सूची में डाला गया है, इसका क्या असर होता है, तो इसका असर ये होता है कि बिना डॉक्टरी पर्चे को इस पर बेचा नहीं जा सकता, और केमिस्ट को भी वो पर्चा स्वास्थ्य विभाग को देना होता है। तीसरा प्रश्न, कोरोना वायरस के मरीजों को मोहर लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो ये चुनाव की जो परमानेंट स्याही होती है उसका यूज़ किया जाएगा। चौथा प्रश्न, दूरदर्शन पर कौन से प्रसिद्ध धारावाहिकों का पुनर्प्रसारण शुरू किया गया है, और ये रामायण और महाभारत का पुनर्प्रसारण हो रहा है। पांचवा प्रश्न, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, और ये बन गया है गोवा। वहीं छठवां प्रश्न है कि राज्य में कोविड-19 समर्पित देशों के सबसे बड़े अस्पताल की स्थापना की जाएगी, और इसकी स्थापना जो है ओडिशा में की जाएगी। सातवां प्रश्न है कि किसने अंतरिक्ष में एक अति सुरक्षित मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजकर अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन शुरू किया है, और ये शुरू किया गया अमेरिका के द्वारा। आठवां प्रश्न है कि सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितने रुपए की मदद दिए जाने को मंजूरी दी है, और ये 1,340 करोड़ की मदद की मंजूरी दी है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिविजन। आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप का लॉन्च है कोरोना कवच, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने कोरोना कवच के नाम को, जो कोरोना वायरस है उसको प्रसार को ट्रैक करने के लिए आखिर कहां कहां ये पहुंच चुका है, एक कोरोना कवच नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये लोकेशन आधारित ट्रैकिंग ऐप, यानी इसमें लोकेशन से पता चल जाता है कि जो लोग वायरस से संक्रमित होने के जोखिम के बारे में सचेत करता है कि कहाँ कहाँ पर यह वायरस फैला हुआ है, और अगर उनके आसपास ये वायरस उनके क्षेत्र में किसी में फैला हुआ है तो किसी के साथ संपर्क में आते हैं तो वो उससे संक्रमित हो सकते हैं, तो उनको ये सचेत करने का काम करता है। ऐप का ये बीटा वर्जन अभी लागू दिया गया है, और अभी एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए गूगल प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि देश भर में जारी लॉकडाउन से किन गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है। तो लॉकडाउन जो लगा हुआ है 21 दिन का, तो उसमें जो कृषि गतिविधियां हैं उनको छूट प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने जो कृषक समुदाय है, क्योंकि ये समय देश भर के अंदर
फसलों की कटाई का है, और क्योंकि रवि का जो सीजन था वो उसका एंड होना है, रवि की फसलें खेतों में खड़ी हैं, उनकी कटाई होना है, तो कृषक समुदाय द्वारा जो समस्याएं आ रही थी उनको समाधान के लिए कृषि खेती से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको छूट प्रदान कर दी है, और इससे होगा कि किसान अपनी फसल काट पाएंगे और कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। तो आम आदमी को जो अनाज की आपूर्ति होती है या पैसे की आपूर्ति होती है, तो आम लोगों को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि भारत ने किस देश के साथ, ये किस देश है, किस देश के साथ 15,295 करोड़ रुपए के रेल परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये हस्ताक्षर किए गए हैं जापान के साथ में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GICA, इसने 3 मेगा रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ 15,295 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इस समझौते के अनुसार चरण 1 के तहत समर्पित फ्रेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए JICA करीब 8,553 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो फ्रेड कॉरिडोर है ये एक समर्पित कॉरिडोर होगा। किसके लिए? ये केवल और केवल यहाँ पर मालगाड़ियों के लिए होगा, ताकि जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। इसके अलावा जो परियोजना 2 है उसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना है, और इसके लिए 4,262 करोड़ रुपये देगा। और तीसरी परियोजना है जो है मुंबई मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट, इसके लिए 2,840 करोड़ रुपये JICA प्रदान करेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम जापान की। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं यह हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट में, और ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये जापान है। जापान आप देखेंगे तो आसपास कौन कौन से देश है, तो इधर देखिएगा साउथ कोरिया लगा हुआ है, ये यहाँ पर आप देखेंगे चाइना लगा हुआ है, इस तरफ आप देखेंगे रशिया लगा हुआ है, और इधर तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है ही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि अर्थ और 2020 कब मनाया गया। अर्थ और 2020 जो मनाया गया वो 28 मार्च को मनाया गया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इस बार जो अर्थ और मनाया गया वो 28 मार्च शनिवार को शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में मनाया गया। हर वर्ष ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 2020 में जो अर्थ और था ये 14वां संस्करण था, और इसकी थीम है जलवायु परिवर्तन को थामने के लिए कदम और सतत विकास, ये इस बार की थीम इसकी रखी गई है। और अर्थ और डे की जो मनाने की शुरुआत की गई थी वो वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF में 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो मनाया जाता है मार्च महीने में अंतिम शनिवार जो होता है, अंतिम शनिवार को मनाया जाता है 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। इस बार जो अंतिम शनिवार था वो 28 मार्च को था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम पांचवें प्रश्न की कि कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन होगा, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा भारत, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत जो है कोरोना वायरस के लिए एक परीक्षण करेगा, इसका नाम है एंटीबॉडी परीक्षण, और ऐसा करने वाला पहला देश होगा। और ये क्या परीक्षण होगा, यदि कोई व्यक्ति पहले वायरस से संक्रमित था तो इसकी पुष्टि हो जाएगी। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग इलाज करवाने नहीं गए, वायरस से संक्रमित थे और ठीक हो गए, तो उससे क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगी कि भाई इसको वायरस था या ये वायरस से पीड़ित था या नहीं था। तो इसके लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करेगा, और ये COVID-19 महामारी को समझने में मदद करेगा कि आखिर वो व्यक्ति कैसे ठीक हो गया, तो इन सब चीज़ों को समझने में ये मदद करेगा। तो ये परीक्षण निर्धारित करता है कि व्यक्ति के रक्त में जो एंटीबॉडी है उसकी उपस्थिति के आधार पर वायरल संक्रमण था या नहीं था। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की करेंगे कि किस राज्य में सार्थक मोबाइल ऐप से COVID-19 मरीजों की निगरानी होगी, और ये निगरानी की जाएगी मध्य प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा COVID-19 के जो संभावित मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए सार्थक नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, और इस ऐप पर क्या किया जाएगा, जो क्वारंटाइन यानी कि जिनको कहा गया कि वो घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, और ऐसे सभी संभावित मरीज और जो मरीज पॉजिटिव आ गए हैं उन मरीजों को रजिस्टर किया जाएगा, और प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग इससे की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करेंगे। तो मैप में देख लीजिए, मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के बीच में स्थित है, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, बांधवगढ़ घाटी नेशनल पार्क यहाँ पर है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा संजय नेशनल पार्क है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क है।
बात प्रमुख बांधों की करेंगे तो इंदिरा सागर बांध जो बना हुआ जो नर्मदा नदी पर है और गांधी सागर बांध बना हुआ जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न की बात करेंगे कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कितने अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया है, और ये 11 समूहों का गठन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो कोरोना वायरस से निपटने की व्यापक और एकीकृत योजना के तहत सरकार ने 11 अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है, और इन समूह के पास अधिकार होगा कि योजना बनाएं और उन्हें तय समय सीमा में लागू करने के लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं उन सब का अधिकार इसके पास में होगा, और इन समूहों का जो गठन किया गया है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन समूह का गठन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आठवें प्रश्न की कि किस देश के राष्ट्रपति ने कोविड-19 से निपटने के लिए $20 खरब के एक पैकेज की घोषणा की है, और इसकी घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो अमेरिका के राष्ट्रीय राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कोविड-19 ये जो महामारी है उसे निपटने के लिए $20 खरब के एक पैकेज की घोषणा की है, और इस पैकेज के तहत हर साल में क्या होने वाला है, जो $75,000 से कम जिनकी आमदनी है ऐसे अमेरिकी के नागरिकों को $1,200 और प्रति शिशु $500 दिए जाएंगे। बेरोजगारी लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को भी इसमें धन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपने राज्यों के अंदर ये पैसे का वितरण कर सकें। इससे पहले अमेरिका ने एक और पैकेज की घोषणा की थी, तो इससे 64 देशों को 17 करोड़ 40 लाख डॉलर की मदद दी थी, और इसमें भारत को 20 लाख 90 हजार डॉलर की सहायता भी शामिल है, ये अमेरिका की तरफ से दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम अमेरिका की, अमेरिका जिसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो मूव कीजिए पश्चिम की तरफ, पश्चिम से जाएं या पूर्व से जाएं अमेरिका आप पहुंच जाएंगे, या आप जाएंगे पश्चिम से तो भारत के लगभग पीछे अमेरिका स्थित है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, यही अमेरिका है। ऊपर कनाडा की सीमा लगती है, नीचे मैक्सिको की सीमा लगती है, और इसी का एक भाग यहाँ पर आप देखेंगे ये भी अमेरिका का भाग है, जो अलास्का यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा भी अमेरिका के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये तो था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर, अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कमेंट करके उत्तर दीजिएगा कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जिनके जिनके शरीर में कोरोना वायरस पाया गया है, पॉजिटिव टेस्ट आया है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात हमारी होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।